It's the biggest rivalry in sport. It doesn't get bigger than that. It doesn't get more exciting. भारत और पाकिस्तान क्रिकेट जगत की दो सबसे बड़ी राइवलरी। एक ऐसी राइवलरी जब दोनों टीमों के बीच कोई मुकाबला होता है तो सड़कें सुनसान, गलियां वीरान हो जाती हैं। पाकिस्तानी टीम हेड टू हेड आंकड़ों में वैसे तो भारतीय टीम से आगे है, लेकिन बात जब बड़े मुकाबलों की होती है तो भारत का पल्ला हमेशा से ही भारी रहा है। ऐसे ही पांच मुकाबलों के बारे में हम आपको बताएंगे जब भारतीय टीम ने सनसनीखेज तरीके से पाकिस्तान को हराया। नंबर पांच, वर्ल्ड कप 1999 मैनचेस्टर। भारत और पाकिस्तान के बीच जब ये मुकाबला हुआ तो उस वक्त कारगिल वॉर चल रहा था। ऐसे में देशभक्ति का जुनून लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था। भारतीय टीम भी शायद इस जोश और जज्बे से मैदान में उतरी थी और यही वजह है कि कम स्कोर बनाने के बावजूद भारत ने जीत हासिल की। भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए सिर्फ 227 रन बनाए। तब लगा शायद मैच हाथ से फिसल जाएगा, लेकिन जवागल श्रीनाथ और वेंकटेश प्रसाद की जबरदस्त गेंदबाजी ने पाकिस्तान टीम को सिर्फ 180 के स्कोर पर समेट दिया। उस यादगार मैच में जवागल श्रीनाथ ने 37 रन देकर 3 विकेट और वेंकटेश प्रसाद ने सिर्फ 27 रन देकर 5 विकेट चटकाए। नंबर 4, फॉर नेशंस कप 1985 शारजाह। 1985 में फॉर नेशंस कप का पहला मुकाबला शारजाह में खेला गया था। भारतीय टीम पहले खेलते हुए सिर्फ 125 रनों पर सिमट गई। He's going to be out caught and he's gone. Imran has struck again. किसी को यकीन नहीं था कि भारत यहां से मैच जीत जाएगा, लेकिन भारत के विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव ने एक बार फिर दिखाया कि क्यों उनकी गिनती दुनिया के महान खिलाड़ियों में होती है। कपिल देव ने सिर्फ 17 रन देकर 3 विकेट चटकाए और 2-2 विकेट एल शिवा रामाकृष्णन और रवि शास्त्री ने लिए। भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तान को सिर्फ 87 रन पर समेटकर 38 रनों से जीत हासिल की। नंबर 3, वर्ल्ड कप 2003 सेंचुरियन। शोएब अख्तर की गेंद पर सचिन तेंदुलकर के अपरकट द्वारा लगाए गए छक्के को देखते ही 2003 वर्ल्ड कप की तस्वीरें ताजा हो जाती हैं। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 273 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले में यह स्कोर काफी बड़ा माना जाता है, लेकिन सचिन और सहवाग की जोड़ी ने जिस तरह से धमाकेदार शुरुआत की उससे यह लक्ष्य काफी छोटा नजर आने लगा। सचिन तेंदुलकर ने सिर्फ 75 गेंदों में 98 रनों की पारी खेलकर इस लक्ष्य को बेहद ही मामूली बना दिया। आखिर में युवराज सिंह और राहुल द्रविड़ ने 99 रनों की नाबाद साझेदारी कर भारत को पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप के एक और महत्वपूर्ण मैच में जीत दिला दी। नंबर 2, T20 वर्ल्ड कप फाइनल 2007। ये वो मैच है जिसने भारतीय टीम ने हारी हुई बाजी अपने नाम की थी। गौतम गंभीर की 75 रनों की शानदार पारी की बदौलत भारत ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 157 रन बनाए। पाकिस्तान के लिए लक्ष्य ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने 12वें ओवर में सिर्फ 77 रन तक 6 विकेट चटकाकर मैच में वापसी कर ली थी। जब लगा कि भारत अब आसानी से जीत जाएगा तभी मिसबाउल हक एक छोर पर खड़े हो गए और निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ मिलकर उन्होंने पाकिस्तान को जीत के बेहद करीब पहुंचा दिया। आखिर ओवर में पाकिस्तान टीम को जीत के लिए सिर्फ 13 रन चाहिए थे, लेकिन उनके पास एक ही विकेट था। मिसबाह ने दूसरी गेंद पर छक्का लगाकर भारतीय फैंस की धड़कनें रोक दी, लेकिन तीसरी गेंद पर उन्होंने एक ऐसा स्कूप शॉट खेला जो सीधा श्रीसंत के हाथों में गिरा और भारत पाकिस्तान को सिर्फ 5 रनों से हरा कर पहले T20 विश्व कप का चैंपियन बन गया। नंबर 1, एशिया कप 2010। 2010 के एशिया कप में खेला गया ये मुकाबला बेहद रोमांचक था। इसी मुकाबले में हरभजन सिंह और शोएब अख्तर के बीच बहस हुई थी और हरभजन ने जबरदस्त तरीके से छक्का लगाकर अख्तर को करारा जवाब दिया था। पाकिस्तान ने इस मुकाबले में पहले खेलते हुए 267 रन बनाए थे। भारत की ओर से गौतम गंभीर ने 83 और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 56 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन इसके बावजूद मैच फंस गया और बात आखिरी ओवर तक पहुंच गई। आखिरी ओवर में भारतीय टीम को जीत के लिए 9 रन चाहिए थे और सामने गेंदबाजी के लिए मोहम्मद आमिर थे, लेकिन सुरेश रैना दूसरी गेंद पर आउट हो गए।
अब सारी जिम्मेदारी हरभजन सिंह के कंधों पर आ गई थी। आमिर के ओवर से पहले हरभजन सिंह और शोएब अख्तर के बीच कहासुनी हुई थी और शायद हरभजन सिंह से उलझकर शोएब अख्तर ने गलती कर दी थी। हरभजन सिंह ने मोहम्मद आमिर की पांचवी गेंद पर जबरदस्त छक्का लगाया और भारतीय टीम को जीत दिला दी। भारत और पाकिस्तान के बीच ये मुकाबले हमेशा फैंस याद रखेंगे। इनमें से आपका फेवरेट मैच कौन सा है, नीचे कमेंट में